पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई एम अ काइंड ऑफ कलेक्टर. लेकिन बम्बई में इतने बड़े बड़े घर नहीं होते सबके कि बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हम रखें घर में. बट व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग देम तो अपने आप रास्ता खुल जाता है. आज मैं बहुत खुश हूँ कि जहांगीर आर्ट गैलरी में, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस गैलरी, और उस गैलरी में हमारे पुणे के आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं. और यहाँ बरुड़े सर हैं, मिसेस गायकवाड़ हैं, उनके लिए आज मैं स्पेशली यहाँ आई हूँ. और ये पेंटिंग्स देख के बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि बहुत इसमें सब कुछ है. इसमें वाइब्रेंस है, कलर्स हैं, आर्ट है, अलग अलग किस्म की पेंटिंग्स, अलग अलग अंदाज में पेंटिंग्स की गई हैं. सो मुझे यहाँ के आज बहुत खुशी हुई. और हमारे पुणे के जो कलाकार हैं उनके लिए हमेशा मैं सपोर्टिव रहती हूँ क्योंकि पुणे से यहाँ आके जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना एग्जीबिशन करना है सारे आर्टिस्टों का सपना होता है. आज आई एम श्योर इन सब का सपना साकार हुआ है. मैं इन सबको आप सबकी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ. प्लीज़ कम एंड विजिट जहांगीर आर्ट गैलरी. आई बिलीव द एग्जीबिशन इज़ हियर फॉर 4 days. Up to 3rd September. 7 days. So please come, visit, buy and be happy. मुझे एक तो नेचर वाली तो मेरी हो गई है. मैंने ऑलरेडी वैशाली ताई को बोल दिया मुझे वो चाहिए. और सर ने जो पेन आर्ट से बॉम्बे स्केच किए हुए हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे. इट्स अ ब्लैक एंड वाइट आर्ट. और मैंने उनसे पूछा कि ये बॉम्बे किस ज़माने का बॉम्बे है क्योंकि बिल्कुल भीड़ ही नहीं है. तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वहाँ पे अगर भीड़ दिखाते, आजकल की फ़ोटो जैसी कुछ आर्ट दिखाते, तो देर इज़ नथिंग आर्टिस्टिक. सो ही वॉन्टेड टू शो द मोन्यूमेंट्स एंड द मोन्यूमेंटल वैल्यू. तो बहुत अच्छी है वो भी पेंटिंग्स. संजीव, डॉक्टर संजीव ने एक बहुत अच्छी, उनकी दो पेंटिंग्स हैं और बहुत अलग हैं. मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी. ऑलमोस्ट ऑल दी पेंटिंग्स आर वेरी वेरी नाइस. और बहुत अच्छा समय जाता है जब आप अच्छी आर्ट देखते हो. तो टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. तो आपके अभिनय ने हमेशा ही लोगों के बीच में काफ़ी अपने, आपका जो अभिनय था लोगों ने पसंद किया है. सोनपरी के नाम से तो मतलब बच्चे आज भी याद करते हैं. तो आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो लोगों के बीच आ रही है? अब तो मैं निर्देशिका भी बन गई हूँ. तो मेरी फिल्म जो मैंने हाल ही में निर्देशित की, इट्स माय थर्ड वन, वो अभी रिलीज़ होगी, जिसका नाम है ती एंड ती. बहुत ही मॉडर्न और एक लाइट कॉमेडी है उसमें. एंड मेनी ऑफ माय फिल्म्स आर कमिंग. ये रे रे पैसा 2 आ रही है. तो एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो आई ट्राई टू एंटरटेन पीपल एंड आई होप पीपल लाइक व्हाट आई डू. मैं डॉक्टर संजीव केंद्रे. बेसिकली मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मानव उपचार कर. तो वाइल सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल आई कम टू नो द वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स विच पीपल हैव. सो आई ट्राई टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग, दोज टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द पेंटिंग्स. और बचपन से ही मुझे थोड़ा सा पेंटिंग की तरफ आकर्षण था. तो मैं पहले से ही स्केचिंग करता था, काफ़ी दिनों से मेरा चल रहा था. लेकिन अब जाके जहांगीर का चांस मिला तो आई एम रियली हैप्पी. तो पुणे से मुंबई आकर जहांगीर आर्ट गैलरी में अगर आपने पेंटिंग की तो बहुत अच्छी बात है. तो कितने एक्साइटेड हैं आप और कितनी खुशी इस बात की? बहुत खुशी है. इट इज़ अ ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू टुडे. सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना बड़ा मुझे अवसर मिला है और लोगों तक मेरा कला पहुँचेगा, इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी. मैं वैशाली हनुमंत गायकवाड़. हर एक आर्टिस्ट अपना जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन करना चाहता है. हम लोगों ने हमारा एग्जीबिशन बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट के मीन्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है. तो हम ये चैरिटी शो कर रहे हैं और ये सारा जो भी ये होगा फंड रेजिंग वो हम लोग केरला में अभी जो फ्लड का इशू हुआ है या फिर कोई कैंसर पेशेंट्स या ये रहते अंडर प्रिविलेज चाइल्ड रहते हैं उनके लिए ये सब यूज़ होगा. और हम लोगों को सबको बहुत खुशी है कि यहाँ पे हम लोगों का वर्क डिस्प्ले करने मिल रहा है. तो इस ये कितने दिन के एग्जीबिशन्स आपके पेंटिंग के कितने दिन के एग्जीबिशन्स इसमें
हमारे 28 अगस्त से 3 सितंबर तक 7 दिन का एग्जीबिशन है। हमारी सबको रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके देखें, पेंटिंग्स डिस्प्ले किए हुए हैं, एंजॉय कीजिए, सेल बाइक कर लीजिए। ये सारा फंड जो है वो सही काम के लिए यूज होगा। तो पेंटिंग जब हम घर में या कहीं भी लगाते हैं तो उसे देखते हैं कि किस तरह की पेंटिंग होना चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग है, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो हमेशा कोई भी मतलब अपने घर में या ऐसे लगा सकता है? पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेडिटेट करने पे थोड़ा मजबूर कर देती है, फोकस होता है आदमी। और यहाँ पे जितने भी सारे पेंटिंग्स लगाए हुए हैं, मुझे लगता है वाइब्रेंट है, यूनिक्स है, हर एक का स्टाइल अलग है, तो हर एक का नज़रिया भी अलग अलग होता है। किसी को नेचर पसंद है, किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद है, इसलिए यहाँ पे वैरायटी सबको देखने मिलेगी। प्रकाश बोरुड़े, प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? पुणे से आप मुंबई चक्कर आए और जाकर आर्ट गैलरी में पेंटिंग लगना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा होता है, तो आप कितने एक्साइटेड इस पेंटिंग को लेकर और मुंबई के लोगों को कितनी पसंद आ रही है? पहले तो मैं वैशाली मैम का ये चाहता हूँ कि 11 आर्टिस्ट सब इकट्ठा करके ये शो प्लान किया है और कुछ चैरिटी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं और कुछ हेल्प भी करना चाहिए, और इसके लिए जो शो अरेंज किया है वो अच्छी बात है। तो एक कोई भी पेंटिंग कम से कम समय में कितने समय लगते हैं आपको एक पेंटिंग बनाने? वाटर कलर का तो वन डे हो जाता है, और इंक वर्क का होगा तो 15-20 दिन चलता है। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जाकर आर्ट गैलरी में 7 डेज की पेंटिंग का एग्जीबिशन से दर्शकों से क्या अनुरोध होगा आपका? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप इस पेंटिंग को लेकर? 11 आर्टिस्ट का काम है, रियलिस्टिक से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक का एक काम है, और स्कल्पचर भी है, वो सब देख के मजा ले रहे बस।